Hey guys, what's up? Welcome to the official YouTube channel of Skyline Foundation. Friends, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे modal auxiliary verbs, उनके uses और उनके functions with examples. और मैं challenge करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपका modal auxiliary का कभी भी question गलत नहीं होगा, आपके इसके marks कभी नहीं कटेंगे. ठीक है, इस वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे तभी ये possible है. इस वीडियो को ध्यान से देखिए, एक बार में नहीं तो दो बार देखिए, और फिर भी नहीं आता है आपको, नहीं समझ आता है, तो आप डायरेक्टली मुझे कॉल कर सकते हैं. मेरा नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. अब सवाल यह है कि modal auxiliaries एग्जैक्टली होते क्या है. तो modal auxiliary verbs ऐसे verbs होते हैं जो verb के साथ में ही यूज़ किए जाते हैं ताकि वो उनका एक सपोर्टिंग रोल अदा करे. ओके, इसके अलावा इसका ज़्यादा कुछ डिस्क्रिप्शन आपको ध्यान में रखने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है. डोंट थिंक अबाउट दैट मच. ओके, विल, वुड, can, could, would, should, need, dare, ought to, must, ये सारे words, ये सारे verbs modal auxiliary कहलाते हैं. ओके, अब modal auxiliary के जो भी questions हैं उन्हें solve करने के लिए आपको modal auxiliary verbs कौन से होते हैं ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा, और उनके particular functions क्या होते हैं, और उन्हें exactly कहाँ पर sentence में use करना है, किस जगह पर यूज़ करना है, ये भी हमें पता होना चाहिए. ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा. प्लीज़ इस वीडियो को पूरी तरह से ध्यान से देखना. ओके दोस्तों, जब भी आपको ऐसा modal auxiliary verb यूज़ करने को बोला जाए जो determination दिखा रहा है, उस वक्त आपको will का यूज़ करना है. ओके, और उसके बाद जब भी less possibility वाला word यूज़ करने को बोला है, less possibility वाला modal auxiliary होता है might या may, ऐसा ही आपको यूज़ करना है according to the need. और उसके बाद में बोला जाएगा कि could कब यूज़ करना है, तो could जब आपको polite request का modal auxiliary verb यूज़ करने को बोला है उस वक्त आप could का इस्तेमाल करेंगे. ओके, अब would और used to ये एक दूसरे के समांतर होते हैं, तो आप accordingly आप यूज़ कर सकते हैं would या used to. ओके, जब भी कोई habitual action दिखाने वाला modal auxiliary यूज़ करने को कहा जाए उस वक्त आप इन दो शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं क्वेश्चन में. और उसके बाद जब भी ऑब्लीगेशन बताना हो, यानी कि ये चीज़ कंपलसरी है करने के लिए, या फिर उन्हें ये करना ही है, ऐसा अगर बोला जाए सेंटेंस में, ऐसा अगर क्वेश्चन है, तो जब भी modal auxiliary शोइंग ऑब्लीगेशन का यूज़ करने को बोला जाए उस वक्त आप आँख बंद करके मस्ट का यूज़ कर सकते हैं. देर इज़ नो डाउट इन दैट. ओके, उसके बाद ought to कब यूज़ करना है, जब moral obligation हो तभी आप इसको यूज़ करें. डेयर कब यूज़ करना है, जब करेज की बात आए, टू हैव करेज, जब ऐसा वर्ड यूज़ करने को बोला जाए, ऐसा modal auxiliary verb यूज़ करने को बोला जाए जो करेज शो करता है, उस वक्त आप डेयर का इस्तेमाल करेंगे, डी ए आर ई, डेयर का. और उसके बाद जब भी आपको कोई एडवाइस या सजेशन से रिलेटेड modal auxiliary verb यूज़ करने को बोला है उस वक्त आप आँख बंद करके शुड का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा. ओके, उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट वाला है कैन. जब भी एबिलिटी, कैपेसिटी, पॉसिबिलिटी आती है उस वक्त आप कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं आँख बंद करके. एबल टू और कैन ये भी एक दूसरे के समांतर है. ओके, ये भी आपको मैं बता दे रहा हूँ. अब हम एग्जांपल्स देखेंगे. पहला एग्जांपल, आई वेंट होम अर्ली, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है यूज़ modal auxiliary शोइंग हैबिचुअल एक्शन. अब इसका आंसर ये आएगा, आई यूज़ टू गो होम अर्ली. अब देखिए अंडरलाइन किया हुआ है क्वेश्चन में वेंट को, और आंसर में किया है यूज़ टू को. इसका मतलब है कि वेंट को यूज़ टू से रिप्लेस करना है हमें, और यूज़ टू ही वो शब्द होते हैं जो हैबिचुअल एक्शन शो करते हैं. दूसरा क्वेश्चन देखते हैं. यू मस्ट सबमिट योर वर्क ऑन टाइम, ब्रैकेट में लिखा है यूज़ modal auxiliary शोइंग सजेशन. सजेशन दिखाने वाला एक modal auxiliary, सजेशन दिखाने वाला एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हमें चूज़ करके लिखना है कहाँ पर, मस्ट की जगह पे, क्योंकि मस्ट को हमने अंडरलाइन कर रखा है. ये आपको क्वेश्चन में अंडरलाइन करके नहीं मिलेगा, ये आपको खुद को पता होना चाहिए कि कौन सा modal auxiliary verb है और कौन सा नहीं है, और कौन सा verb है कौन सा नहीं है, ये आपको डिसाइड करना होगा. और आप ही को डिसाइड करना होगा कि कौन सा चेंज करना है, कौन सा नहीं चेंज करना है, कब चेंज करना है, कब चेंज नहीं करना है, एवरीथिंग यू हैव टू डिसाइड. अब आंसर क्या आएगा इसका, यू शुड सबमिट योर वर्क ऑन टाइम. मस्ट की जगह पर शुड आ गया, क्यों, क्योंकि मस्ट जो है वो ऑब्लिगेशन शो करता है और शुड जो है वो एडवाइस शो करता है. तीसरा, इट विल रेन टू नाइट, और ब्रैकेट में लिखा है यूज modal auxiliary शोइंग लेस पॉसिबिलिटी, कम संभावना वाला, कम संभावना
कम संभावना दिखाने वाला एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हमें इस सेंटेंस में यूज करना है। अब ऐसे है, शब्द है माइट और एक चीज़ है मे, तो हमें यहाँ पे माइट यूज करना है। इट माइट रेन टुडे, ओके दिस इज द आंसर। उसके बाद चौथा, वी आर एबल टू जज हिम, और ब्रैकेट में लिखा है यूज मॉडल ऑक्सिलरी शोइंग एबिलिटी, कैपेबिलिटी दिखानी है, कैपेसिटी होती है, एबिलिटी होती है, क्षमता होती है, ऐसा शब्द होता है जो दिखाए इन चीज़ों को, वो हमें इसमें यूज़ करना है। तो ऐसा शब्द होता है कैन, इसीलिए हम आर एबल टू की जगह पर कैन यूज़ करेंगे और आंसर आएगा वी कैन जज हिम, सिंपली इट्स वेरी सिंपल। उसके बाद पांचवा, हैव इट डेली, और ब्रैकेट में लिखा है यूज मॉडल ऑक्सिलरी शोइंग एडवाइस, एडवाइस दिखाने वाला एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, वो हमें यूज़ करना है, ठीक है। अब इसमें अंडरलाइन नहीं किया हुआ है, आपको खुद जज करना पड़ेगा कौन से जगह पे क्या करना है आपको। अब सेंटेंस को हमें थोड़ा चेंज भी करना पड़ेगा, बट ग्रामर का अर्थ यही होता है कि आपको विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस आपको उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे अकॉर्डिंग टू नीड, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसका आंसर क्या आएगा, यू शुड हैव इट डेली, हमने यहाँ पे क्या एडवाइस के लिए शुड यूज़ किया है, ओके तो ये हमने पांच एग्जांपल्स देखे, और कई सारे एग्जांपल्स आप खुद ट्राई कीजिए, ऑनलाइन आपको कई सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और क्वेश्चंस के आंसर आपको नहीं आ रहे होंगे इन केस, तो आप मेरा नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, किसी भी वक्त कॉल करके पूछ सकते हैं या नीचे कमेंट करके भी आप पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। और हमारे चैनल पर कई सारे वीडियोस हमने डाल के रखे हैं, एजुकेशनल वीडियोस, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी वीडियोस को देखें, और आपको कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी क्वेरीज हो, आप पूछें बिल्कुल, ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग।